तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे लैंडिंग प्लेट पर्सनल लोन एप्लीकेशन का रियल रिव्यू देने वाले हैं और आपको ये भी बताएंगे इस एप्लीकेशन से लोन लेने के बाद आपके जीवन में क्या क्या परिवर्तन आने वाले हैं। किसी को भी कहीं भी किसी भी वक्त पढ़ सकती है। तो बेसिकली ये एड आपने YouTube पे अवश्य देखा होगा एंड आई होप आपको तभी पता चला होगा इस एप्लीकेशन के बारे में। हाँ भाई, किसको लोन चाहिए अभी 2 मिनट में दिलाता हूँ। क्या मतलब मोबाइल से बाहर मिल तब बताता हूँ। तो लैंडिंग प्लेट एप्लीकेशन से लोन लेने के बाद आपके जीवन में क्या क्या परिवर्तन आने वाले हैं? बिकॉज अभी तक जितने लोगों ने लोन लिया है इस एप्लीकेशन से, उन्होंने मेरे वीडियो पे कमेंट्स किए, भाई साहब मैंने लैंडिंग प्लेट एप्लीकेशन से लोन लिया है और अब मेरी जिंदगी बहुत ही सुख शांति से कट रही है। तो रियल में सुख शांति से कट रही है यही बात है या नहीं है, तो आज की वीडियो में हम आपको यही बताएंगे। जिन लोगों ने भी ये बोला है कि मेरी जिंदगी बहुत सुख से कट रही है लैंडिंग प्लेट एप्लीकेशन से लोन लेने के बाद, मुझे तो लग रहा है ये लोग बीजेपी से कम झूठ नहीं बोलते हैं, क्योंकि मुझे इस एप्लीकेशन पर डाउट है। इस एप्लीकेशन से लोन लेने के बाद इतने सुख चैन से जिंदगी किसी की नहीं कट सकती यार। तो देखो, मेरे घर पे इस एप्लीकेशन के द्वारा कोई ट्रक भर के पैसे नहीं भिजवाए गए हैं जो मैं इस एप्लीकेशन की तारीफ करूंगा। जो भी ऑनेस्ट रिव्यू होगा वही मैं आपको दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो मैं हूं कटप्पा और आप देख रहे हैं टेक्निकल सुमित। तो ये रहा हमारा लैंडिंग प्लेट एप्लीकेशन। हम इसको एक बार ओपन करते हैं एंड यहाँ पर ही अपने कर्तव्य दिखाना, अपने मदारी का खेल दिखाना स्टार्ट करता है। अगेन उसके बाद आपको राइट स्क्रॉल करना है। जैसे आप राइट स्क्रॉल करोगे या नंबर डाल के लॉगिन करना है एंड मैंने इसमें ऑलरेडी लॉगिन कर रखा है, एक बार कर चुका हूँ। आपको बार बार लॉगिन करना पड़ता है। तो हम क्या करेंगे, आपको इस एप्लीकेशन से रिलेटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें पहले मैं आपको बता देता हूँ, उसके बाद मैं अप्लाई करके दिखाऊंगा। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, पहले हम लैंडिंग प्लेट एप्लीकेशन को निकाल लेते हैं, ठीक है। एंड उसके बाद यहाँ पर मैंने इसको ऑलरेडी अपडेट कर रखा है। ओके, अभी मैं नीचे स्क्रॉल करूँगा, रेटिंग भी सही है, डाउनलोडिंग भी सही है, सब कुछ ठीक है और ये एप्लीकेशन RBI रजिस्टर भी है। तो आपको इसमें डेटा की कोई टेंशन नहीं, आप कैसी भी गंदी संदी फोटो क्लिक करके रखो अपने मोबाइल में, इसकी माँ की आँख मजे ही मजे, कोई कुछ नहीं बोलेगा, RBI रजिस्टर एप्लीकेशन है। एंड अब हम बात करें इस एप्लीकेशन से हमें कितना लोन अमाउंट कैसे मिलेगा, तो मैं आपको पहले दिखा देता हूँ एंड मैं आपको ये भी बताऊंगा लोगों का ओपिनियन क्या है इस एप्लीकेशन पर लोन लेते टाइम और लेने के बाद, ठीक है। तो हम यहाँ पर आपको दिखा दें, क्लिक करके हम आ चुके हैं इस एप्लीकेशन के अबाउट सेक्शन में। यहाँ पर हम जानेंगे कि ये एप्लीकेशन कैसे और कितना इंटरेस्ट लेता है। यहाँ पर ये लैंडिंग प्लेट एप्लीकेशन का अबाउट सेक्शन है, जहाँ पर लिखा हुआ है गेट इंस्टेंट पर्सनल लोन्स इन इंडिया अप टू 2.5 लाख रुपए का आप इससे लोन ले सकते हो। लेकिन कितना इंटरेस्ट लगेगा वो हम देखते हैं। इस एप्लीकेशन से लोन लेने के लिए आपको एलिजिबिलिटी के लिए क्या क्या लगेगा, तो यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल आप इंडियन होने चाहिए, इंडिया के ही डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। एंड यहाँ पर जो इंटरेस्ट रेट लगेगी आप पे इस एप्लीकेशन में 12% से लेके 36% तक इंटरेस्ट लग सकता है, वो आपके सिविल पे डिपेंड करेगा। लेकिन ये एप्लीकेशन 30 से ऊपर ही इंटरेस्ट लेगा, क्योंकि ये ऐसा लिख देते हैं 12%, लेकिन ये 30+ इंटरेस्ट ही आपसे लेगा। यहाँ पर एलिजिबिलिटी में इंडियन होना चाहिए, सेकेंड में आपकी एज 21+ होनी चाहिए और आपकी मंथली इनकम मिनिमम 20,000 होनी चाहिए और जो आपकी सैलरी है वो आपके बैंक अकाउंट में आनी चाहिए। एंड इस एप्लीकेशन की एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। यहाँ पर ये सारी चीज़ें आप चाहो तो पढ़ लेना, आपके वेरिफिकेशन कैसे होगी, कैसे आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होंगे। अभी यहाँ पर लिखा हुआ है एग्जाम्पल, अगर आप मान लो 25,000 का लोन लेते हो इस एप्लीकेशन से, तो आपका 36% इंटरेस्ट लगेगा, वो भी 12 मंथ के लिए, अगर आप एक साल के लिए लोन लेते हो तो। तो यहाँ पर आपसे प्रोसेसिंग फीस लगेगी 25,000 रुपये पे, 1,250 रुपये कन्वेंशन फीस लगेगी इंक्लूडेड GST, एंड यहाँ पर 1,250 दोनों 2,512 रुपये हो चुके हैं। टोटल रिपेमेंट अगर आप 25,000 लेते हो तो यहाँ पर आपको 30,144 रुपये रिपेमेंट करना पड़ेगा। टोटल जो इंटरेस्ट बना एक साल का वो यहाँ पर ओनली 5,000 रुपीज दिखा रहा है। टोटल कॉस्ट ऑफ लोन इंक्लूडेड प्रिंसिपल अमाउंट 32,644, इतना आपको लोन क्लोज करते टाइम टोटल रिपेमेंट आपका एक साल में इतना हो सकता है। अब मैं आपको बताऊँ तो देखो, ऐसा कुछ नहीं है, आपसे यहाँ पर अगर 25 का लोन लिया तो आपको 25 के 40 भी देने पड़ सकते हैं, 35 में 35 भी देने पड़ सकते हैं। लेकिन यह
लेकिन यहाँ पर इन्होंने इतना लिख रखा, इतना तो ये नहीं लेंगे। मुझे पता है ये जितने भी एप्लीकेशन है वो सभी लूटने आते हैं। आप अप्लाई करके देख लेना, अगर यही ऑफर है 25,000 पे लग रहे हैं 5,000 रुपये इंटरेस्ट एक साल के, तो ही लेना। मुझे पता है ये तो सिर्फ इन्होंने एग्जाम्पल में लिख रखा है। अगर आपका नौरा फतेह से भी ज़्यादा अच्छा सिविल स्कोर होगा तो हो सकता है आपसे सिर्फ इतना ही इंटरेस्ट लगे, ठीक है। तो आई होप आप ये समझ गए होंगे। एंड हम इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम की बात करूँ तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, मैं आपको यहाँ पे ही क्यों समझा रहा था। अभी मैं लैंडिंग प्लेट एप्लीकेशन को ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पर मैंने इस एप्लीकेशन में नंबर डाला, ओटीपी डाला एंड हम इस वाले इंटरफेस पे आते हैं। अभी यहाँ पर एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम आएगी आपको, आपको आ रही है या नहीं आ रही है वो नहीं पता, लेकिन मैं आपको दिखाता हूँ, कुछ लोगों को आ सकती है ये वाली प्रॉब्लम। तो हमने अपना यहाँ पे पिन कोड डाला जो हमारे आधार कार्ड पे है। जैसे आप पिन कोड डालोगे तो यहाँ पर आपकी डिस्ट्रिक्ट और स्टेट आ जाएगी, आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। अगेन उसके बाद ये बोलेगा कि आप आपका जो पिन कोड है उस पर हमारे जो लोन ऑफर है वो अवेलेबल नहीं है। यहाँ पर देख रहे हो स्टेटस नॉट अवेलेबल, यहाँ पर नीचे साफ साफ लिखा हुआ है बी आर प्रेजेंटली नॉट ऑपरेशनल इन योर सिटी। ये बोलते हैं कि आपका जो पिन कोड है उस पर हमारी सर्विसेस प्रोवाइड नहीं कराई जा सकती। तो मैं इनसे सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा, क्यों भाई, मैं किसी आइलैंड पर रहता हूँ, समुद्र के बीचा बीच में रहता हूँ, जहाँ पे तुम नहीं पहुँच पाओगे पैसा वसूली करना। फर्स्ट ऑफ ऑल इस एप्लीकेशन का कुछ ठीक नहीं है, आपसे ज़्यादा इंटरेस्ट लगेगा। एंड मैंने बहुत ज़्यादा रिसर्च की है इस एप्लीकेशन पर, तभी मैं बोल रहा हूँ, मैं बहुत ज़्यादा ही रिसर्च करने के बाद बोल रहा हूँ। मेरी बहुत बड़ी टीम है रिसर्च करने की, एक लोगों की टीम है, मैं ही अकेला रिसर्च करता हूँ, कोई ज़्यादा बड़ी टीम नहीं है, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं कि लोगों का एक्सपीरियंस कैसा है इस एप्लीकेशन पे लोन लेने के बाद। तो उसके लिए हम नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर लोगों का ऑल रिव्यू मिल जाएगा, ऑल रिएक्शन जो भी है उनका। तो यहाँ पर एक्सपीरियंस देखने के लिए देख सकते हो, एक्सपीरियंस इज नॉट गुड इट ऑल योर एप्लीकेशन। इस तरीके से आप देखोगे वन की रेटिंग में जाओगे तो यहाँ पर जो भी एक्सपीरियंस है लोगों का वो आपको साफ साफ देखने को मिल जाएगा। ऑलमोस्ट लोगों को, कुछ लोगों को, मैं यहाँ पे बोलूँ तो 50% लोगों को ये एप्लीकेशन पसंद नहीं आ रहा होगा। एंड अगर आप अपना दिमाग लगाओ तो 70% लोगों को पसंद नहीं आ रहा होगा, जो समझदार हैं, जिनको अपना पैसा प्यारा है वो भाई साहब ऐसे ही बता रहे हैं, देख सकते हो बेस्ट ऑफ टाइम फैक ऐप, डू नॉट इंस्टॉल एप्लीकेशन। इसी तरीके से ये कमेंट्स हैं, आप इनको रीड कर सकते हो, मैं रीड करूंगा तो वीडियो लंबी हो जाएगी। और अगर आप 1.2% प्रति मंथ के इंटरेस्ट पे लोन लेना चाहते हो तो मैं एक एप्लीकेशन का और वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, पहले आपको वीडियो देखना। उस वीडियो में मैंने बताया है कि आप कैसे और किस एप्लीकेशन से 1.2% के इंटरेस्ट पे लोन अप्लाई कर सकते हो। और अगर आप थोड़ा ज़्यादा झेल सकते हो, ज़्यादा इंटरेस्ट दे सकते हो, तो मैंने टॉप 5 रियल लोन एप्लीकेशनों का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वो रियल एप्लीकेशन है, आप उनसे रियल में लोन ले पाओगे। तो आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। एंड अगर आपको लोन लेना है तो आप इस पर अप्लाई कर सकते हो, लेकिन मैंने आपकी चिंता करते हुए मैंने आपके लिए टॉप 5 कम इंटरेस्ट पे लोन देने वाले एप्लीकेशनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप उन पे भी लोन अप्लाई करके देख सकते हो। अगर आप एलिजिबल हो तो उस अमाउंट को आप अपने बैंक अकाउंट में ले सकते हो।